टीवी का बेस्ट कॉमेडी चैनल की बात करें तो सबसे ऊपर सब टीवी का नाम आता है। इस चैनल पर मैडम सिर से लेकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे कई कॉमेडी शो प्रसारित होते रहते हैं, लेकिन इस बार सोनी सब टीवी एक ऐसा धारावाहिक ड्रामा लेकर आया है जो ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल दिया गल्ला ड्रामे की। यह शो भारत में कई परिवारों की दुर्दशा को उजागर करता हुआ दिखाई देगा। गलत फहमियों और अनकहे शब्दों के कारण अपने प्रियजनों से दूर हो गए इस शो ने 135 से भी ज्यादा एपिसोड पूरे कर लिए हैं और आज न्यूज वन इंडिया की टीम दिल दिया गल्ला के सेट पर पहुंची है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दिल दिया गल्ला में क्लाइमेक्स सीन शूट किया जा रहा है, जहां रणदीप यानी राणा का किरदार निभाने वाले रवि गोसाई की हालत काफी क्रिटिकल हो गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी यह हालत उनके पिताजी यानी दिलप्रीत सिंह बरार का किरदार निभाने वाले पंकज बैरी और मां संयोजक दिलप्रीत सिंह बरार का किरदार निभा रही जसजीत बब्बर को देखी नहीं जा रही। आइए हम दिलप्रीत, संजयोत और उनके पारिवारिक मित्र हरीत जी से ही जान लेते हैं कि शो में क्या चल रहा है। पूरी फैमिली शैटर्ड है, सब टूटे हुए हैं और ऊपर से जबकि उसने जो किया वो जेन्युइनली है, लेकिन सबको ये लगता है कि उसने इस दार जी को लगता है, इवन राणा को लगता है कि मान ने सही नहीं किया, जो उसने पुलिस को बुला लिया क्योंकि राणा पुलिस में नहीं जाना चाहता था। वो बार बार कह रहा था कि मुझे पुलिस में मत भेजो, मुझे पुलिस में मत भेजो, मैं मर जाऊंगा। तो दारजी भी यही चाहते थे कि इसका इलाज घर पे हो, पुलिस में मत, बाहर घर से बाहर ना निकले। लेकिन राणा मान डेलिबरेटली पुलिस को बुला लेता है। क्यों बुलाता है? वो बहुत सही काम करता है मेरे हिसाब से, एज पंकज बैरी वो बिल्कुल सही काम करता है। इतने सालों बाद तुम्हारी पसंद का और जो तुमको मिलना चाहिए था, जिसके लिए तुम डिजर्व करती थी, अब जाके तुम्हारा काम हो गया। और बेटा तुम इसको बहुत दिल से करना और बहुत मेहनत करना, ऐसे रोल मिलते नहीं हैं किसी को। तो वो लोग बहुत खुश थे कि क्योंकि हर आर्ट कलाकार को ऐसे रोल्स का इंतज़ार होता है। हरनीत जी, जी इनके बताओ, जितने अच्छे कमाल के एक्टर हैं, हरनीत जी उतना ही कमाल का गाना गाते हैं। सर आप, मेरा करेक्टर ये है कि मैं दिलप्रीत सिंह का बहुत जिगरी दोस्त हूँ और जब जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ रहता हूँ। शो के बारे में आप जान ही रहे हो कि बहुत अच्छा है, बहुत दिल के करीब है और पंजाब में जो जिस तरह का माहौल है बिल्कुल बड़ी ट्रू कहानी लगती है। ये बहुत अच्छा शो जा रहा है। राणा के बड़े भाई डॉक्टर मनदीप सिंह बरार का किरदार निभा रहे संदीप बसवाना को परिवार के कुछ लोग राणा की हालत की जिम्मेदार समझते हैं। राणा और मान के पिताजी दिलप्रीत और साथ ही साथ इस शो में राणा की पत्नी निम्रत का किरदार निभा रही कनिका माहेश्वरी भी राणा के इस हालात का जिम्मेदार मान को ही समझती हैं। आइए जानते हैं मान, राणा और निम्रत से कि आखिरकार इस पूरे सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है और आगे शो में क्या हो सकता है। ईस्ट और वेस्ट राणा इज द बेस्ट कहने वाले राणा जी जो है, बेस्ट राणा जी आज एक वर्स्ट कंडीशन में है और इस हालात के पीछे वो कौन सी वजह है जो इस हालात पे आपको लाई है, और राणा जी और मनदीप जी खुद यहाँ मौजूद है, यही हमें बताएंगे कि हुआ क्या है। यही वजह है, वजह इधर ही खड़ी है, यही खड़े है। संदीप बसवाना जी, मतलब जो मेरे बड़े भाई मान का रोल कर रहे हैं, यही बताएंगे। सर न्यूज़ वन इंडिया चैनल जो है एंटरटेनमेंट में नंबर वन होता जा रहा है, कुछ बोलना चाहेंगे आप? बहुत बहुत मुबारक हो न्यूज़ वन इंडिया को मेरी तरफ से। सॉरी, मेरा ज़रा रोने का सीन चल रहा है तो थोड़े आंसू हैं। तो हाँ ये हमारी जो कहानी में जो मोड़, नया मोड़ है, ये वही है कि कैसे हालात बनते हैं और ये जो हमारे साहब हैं ये एक मुसीबत में फंस जाते हैं और पहुँच गए हॉस्पिटल। तो मैं बीइंग अ गुड ब्रदर कोशिश कर रहा हूँ इन्हें बचाने की। मैं ही शुड कंटिन्यू डूइंग बोथ, मेरी ये इनसे गुजारिश है कि ये बहुत कमाल के डायरेक्टर है। मेरे को फिल्म दिल को छूने, मतलब मेरे दिल को छू गई और मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली उसमें जो परफॉर्मेंसेस दी यश टोंक ने, अश्लेषा सावन ने, इन लोगों ने बहुत खूबसूरत काम किया, बाकी सब एक्टर्स ने भी,
और इन्होंने इतनी बढ़िया खूबसूरत फिल्म बनाई है कि सब जरूर देखें और ये एज एन एक्टर भी कंटिन्यू रखें और अगली फिल्म बनाए दिल्ली मेरे साथ। दिल्लियाँ गल्ला जो है वो जो शो है वो बेसिकली इमोशंस के ऊपर है कि अगर आप अपने मन की बात अपने उसे कर लें, बिल्कुल डायरेक्टली बात कर लें, तो शायद कभी भी डिफरेंसेस नहीं आएंगे। और जिन लोगों के मन में ज़रा भी भेद मुटाव है उनके घर में कभी भी प्यार नहीं रह पाएगा। इसलिए यही कहूँगी अपने दर्शकों को कि जिनसे भी प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनको अपने मन की बात सीधी और सिंपल तरीके से समझाया जाए तो शायद रिश्ते बहुत सुंदर हो जाए। राणा और निमृत की बेटी रिया का किरदार निभाने वाली हेमा सूद के शो में डॉलर का किरदार निभाने वाली रियांश वीर चड्ढा के साथ हाल ही में शादी हुई। रिया की अनजानी के कारण उसकी शादी उनके परिवार के खानदानी दुश्मन के घर हो गई है। आने वाले वक्त में क्या रिया और डॉलर के बीच दुश्मनी बढ़ेगी या उनके बीच नजदीक देखने को मिलेगी, ये हम रिया और डॉलर से ही जान लेते हैं। मुझे अभी लेटली महसूस हुआ है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। बदले की भावना इतनी ज़्यादा मेरे अंदर आ गई कि मैंने एक ऐसे इंसान से शादी की जो कि 25 साल पुराना मेरे दादाजी का दुश्मन था। तो अभी मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब चीज़ें हो चुकी हैं, बेबे आ चुकी हैं, अब वो क्या करेगी मैं भी नहीं जानती। लेकिन सम हाउ आई विल से कि हाँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन अगर आपने शो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने ये किस दबाव में कह सकते हैं, क्यों इतना मैंने बड़ा स्टेप लिया अपनी लाइफ के साथ। रिया के साथ शादी उसने एक समझौता था, दोनों एंग्स्ट में थे और वो तैश में आके शादी कर ली हम लोगों ने। दोनों ना एक दूसरे से प्यार करते हैं ना कुछ ऐसी कोई चीज़ है, बट बिकॉज मुझे अमृता को हर्ट करना था और उसे दाजी को और वीर को हर्ट करना था तो हमने शादी कर ली। रही बात गुड हस्बैंड की तो पता नहीं मेरे को, बिकॉज हस्बैंड और वाइफ जैसा हम दोनों के बीच में नहीं है, बिकॉज हम बहुत क्लियर थे कि मैं उसको बोल चुका हूँ कि शादी के बाद मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानने वाला है, कभी प्यार नहीं करूँगा, और सेम उसने मुझे कहा है। लेकिन डॉलर एज ए इंसान अच्छा है, उसकी फैमिली, उसकी दादी, उसके फादर भले रिवेंज लेने के मोड में हैं, बट वो उस चीज़ में रिवेंज लेने में भी उसने, आपने देखा होगा कि उसने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। इस शो में अमृता का किरदार निभा रही कोवरी प्रियम और वीर का किरदार निभा रहे पारस अरोड़ा मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। हाल ही में शो में विलेन का किरदार निभाने वाली तवलीन यानी ज्योति भाटिया की एंट्री हुई है और इस शो के डायरेक्टर ने इस शो के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरे साथ में हैं दिल दिया गल्ला के दोनों दिग्गज डायरेक्टर, इनको हम प्यार से मामा जी कहते हैं, और ये हमारे यश जी जो दिल दिया गल्ला को डायरेक्ट कर रहे हैं। सर मैं सबसे एक एक सवाल पूछता हूँ कि आप दोनों को भी ये मानते हैं कि ईस्ट और वेस्ट राणा इज द बेस्ट? यही उम्मीद है सर। अभी नए कुछ कैरेक्टर की एंट्री हुई है तवलीन, बहुत हाँ बहुत ज़बरदस्त लग रहा है वो, तो मज़ा आया उसके बारे में। तवलीन के बारे में एक दो बातें। तवलीन क्या है कि वो मतलब ऐसे नॉट ए विलन, विलन है वो, क्योंकि इस घर से उसके पुराने ताल्लुकात हैं, बहुत घराना दोस्ती था, तो दुश्मनी भी उतनी गहरी मिलेगी आपको देखने को। और वो इमोशनल टच ऐसा नहीं है कि बस वो कुछ ऐसे बदमाशी करने आई है, उसका मकसद कि दोनों इतने जितने गहरे दोस्त थे, जितनी अच्छी बातें थी, जितनी रिश्तेदारी बदलने वाली थी, जो नहीं हुआ तो उतनी वो खुन्नस और उतना वो घाव लेकर आई। और आगे देखिएगा क्या करेगी, वो घाव कैसे निकालेगी, जब अच्छे दोस्त जब दुश्मन बनते हैं फिर वो क्या करते हैं। एक क्वेश्चन मेरा मामा जी से आपसे भी सर, ये वीर और अमृता की स्टोरी आगे क्या बढ़ेगी? देखिए विलन विलन कितना चलेगा, लव स्टोरी तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आज तक जो भी देखते आए हैं डेली सोप में लव स्टोरी के बगैर कुछ भी नहीं है। तो फाइनली अब जितनी लड़ाई झगड़ा जो भी करना है वो कर लें, लेकिन लव स्टोरी तो होगी। थैंक यू। आने वाले वक्त में दिल दिया गल्ला शो में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, इसे जानने के लिए आपको देखना होगा दिल दिया गल्ला।